तो हेलो गाइस, मेरा नाम है भगवान चौधरी और आज की जो मेरी वीडियो है एक स्किन व्हाइटनिंग क्रीम पर है जो कि यूट्यूब पर काफी ट्रेंडिंग में चल रही है। गाइस इस क्रीम का नाम है माई फेयर क्रीम। गाइस इस पर यूट्यूब पर काफी वीडियोस अवेलेबल भी है और उन वीडियोस में ये बताया जा रहा कि अगर आप इस क्रीम को यूज में लेते हो 10 से 15 दिन, मतलब कि 10 से 15 दिन में ही आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और भी 4 से 6 शेड तक आपकी स्किन को लाइटनिंग करता है। तो गाइस एक्चुअल में इस क्रीम में ऐसा क्या डाला गया है जिस बेस पर ऐसा बोला जा रहा है, क्या हमारी स्किन पर वर्क करेगी या नहीं, कौन सी स्किन वालों के लिए सेफ है, इसमें ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए, मैं टोटली मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो अगर आप इस क्रीम को परचेज करना चाहते हो या फिर यूज करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपको पूरे एंड तक देखनी है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये बात को स्किप करना जहां पर आपको मेरे को दिख रहे, आपको मेरे साइड इफेक्ट दिख रहे हो, मेरे को इस क्रीम से नहीं हुए, मैंने कोई सीरम यूज की थी जिसके कारण मेरे स्किन पर साइड इफेक्ट हो रखा है। मैं इसको काफी जल्द रिमूव भी करने वाला हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप इस क्रीम को भी यूज कर रहे हो ना तो प्लीज ये वीडियो देख लीजिए। देखो गाइस इस क्रीम में एक फॉर्मूला यूज किया गया है, माई फेयर जो क्रीम है इसमें एक फॉर्मूला यूज किया गया है, वो है हाइड्रोक्विनोन प्लस ट्रेटिनियन प्लस मोमेटोसन फ्रोट। आपको पता होगा हाइड्रोक्विनोन एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है जो कि आपकी स्किन के लिए सेफ नहीं होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं अगर आप इस क्रीम को यूज में लेते हो ना 10 से 15 दिन, हाँ ये बात सही है, 10 से 15 दिन में आपकी स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव कर देगा। 4 से 6 शेड तक लाइट कर लिया आपने, कंटिन्यू यूज कर लिया, मतलब 10, 15, 20 दिन हो गए, उसके बाद आपका फेस इतना ज्यादा डार्क हो जाएगा, ये ऊपर की स्किन तो पूरी हट जाएगी, मतलब कि जल जल सी जाएगी और आपका फेस बहुत ज्यादा रेडनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी, जो रेडनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका फेस बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। देखो गाइस मेरे जो साइड इफेक्ट हुआ ना, मतलब कि जो रिएक्शन हुए वो पिंपल ही हुए, कुछ ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं हुए, क्योंकि मैं अपनी मेरी स्किन को अच्छे से मेंटेन करता हूं और जो मेरे जब से मेरे को प्रॉब्लम है तब से ही मैंने स्टॉप कर लिया उस सीरम को, क्योंकि वो मेरी स्किन के लिए सेफ नहीं थी। हाँ उसमें इंग्रेडिएंट्स सारे के सारे नेचुरल बेस्ड पड़ते हैं लेकिन मेरी स्किन के लिए सेफ नहीं था, इसलिए कुछ रिएक्शन हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं जो ये माई फेयर क्रीम है वो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल ही सेफ नहीं है। अब वो तो सेफ थी तो भी मेरे फेस पर साइड इफेक्ट हो गए, लेकिन ये आपके लिए है सेफ नहीं, हमारी स्किन के लिए बिल्कुल ही सेफ नहीं है। तो अगर आप इस क्रीम को यूज करना चाहते हो या फिर परचेस करना चाहते हो तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी क्रीमों से आपको बहुत ही ज्यादा दूर रहना चाहिए, ये हमारी स्किन के लिए सेफ नहीं होती है, इससे हमारी स्किन पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं।